हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू शाइन विद शिल्पी, जहां आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं अपने बेड को अरेंज कर ले रही हूं और मैंने अपने हेयर्स को ओपन किया है, इससे मैं ज़रा सा रिलैक्स हो जाती हूँ। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। फ्रेश होने के बाद और अब ब्रश कर लेने के बाद मैं जल्दी से बेड अरेंज कर लेती हूँ, एंड द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिफोर इवन हैविंग वाटर मैं लेती हूँ कोकोनट वाटर, और चेक करती हूँ अपना फ़ोन जहाँ आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स आते हैं, मैं वो चेक करती हूँ और बाकी जो भी मैसेजेस मुझे आते हैं वो सब मैं अपने फ़ोन पे चेक कर लेती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कोकोनट वाटर मुझे बहुत ही पसंद है, ये बिल्कुल फ्रेश कर देता है मुझे। उसके बाद अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करने के लिए। मैं अपनी मॉर्निंग बहुत ही हैप्पीली स्टार्ट करती हूँ, जहाँ आज मेरी आईज़ और फेस बहुत सूझे हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को टाई अप कर लूँगी एक कंफर्टेबल रबर बैंड के साथ, जिससे मेरा पूरा प्रोसेस मैसी ना हो और मुझे मेरे हेयर्स डिस्टर्ब ना करें, और एक हेड बैंड लगा लूँगी जिससे फेस पे मेरे हेयर्स ना आए। ये लोटस का एप्रिकॉट स्क्रब, जो कि मेरा फेवरेट स्क्रब है, मैं इसे यूज़ करूँगी। ये ज़रा सा हार्श है, मैं इसे वीक में मैक्सिमम एक या दो बार मैक्स मैं इसे यूज़ करती हूँ, और ज़्यादातर मैं फोकस करती हूँ अपने नोज़ पे, क्योंकि मेरे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स नोज़ और चिन पे ही ज़्यादा आता है। मुझे मेरे पूरे फेस को ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे बिल्कुल मैं स्क्रब कर रही हूँ, और अगर नीड लगे तो मैं एक्स्ट्रा वाटर ले लूँगी। बस हल्के हल्के से मैं 2 to 3 मिनट्स के लिए ही स्क्रब करूँगी, और नोज़ एरिया पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे वहीं पे स्क्रब करने की ज़रूरत है। अब मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, मैंने इसे ड्राई नहीं किया है। सेकेंड स्टेप है गार्नियर का ये फेस वॉश, ये ज़रा सा ड्राई करता है, मुझे मॉर्निंग में ज़रा सा डीप फेस वॉश की नीड होती है। ये मिनीसो का फेस क्लेंज़र है, जिसकी मदद से मैं फेस को अच्छे से वॉश करूँगी। सबसे पहले मैंने फेस वॉश को अपने फेस पे लगाया, और इस मसाजिंग ब्रश के मदद से मैं अच्छे से अपने फेस को अच्छे से मसाज करूँगी, ताकि डीपली क्लीन हो जाए मेरा फेस, और ये मुझे ब्रश बहुत ही पसंद है। आईज़ एरिया पे मैं ज़्यादा फेस वॉश नहीं यूज़ करती हूँ, बस अपने फेस पे अच्छे से, चीक्स पे, अपने गले पे बिल्कुल अच्छे से मसाज करके, और मैं इसे अब वॉश कर लूँगी। फेस वॉश करने के बाद अपने फेस को मैं अच्छे से ड्राई आउट कर लूँगी डैप करके क्लॉथ से, और अब बारी आती है एक अच्छे से फेस मास्क की। ये एक बोल में मैंने ज़रा सा कर्ड लिया है, अगर आपको मिल्क सूट करता है तो आप मिल्क ले सकते हो, और ये है ऑर्गेनिक लिक्योराइज पाउडर, ये मुझे बहुत ही सूट करता है, मुझे बहुत ही पसंद है लिक्योराइज पाउडर, और ये है सैंडलवुड पाउडर। कभी कभी मैं सैंडलवुड पाउडर ले लेती हूँ, या कभी कभी मैं मुल्तानी मिट्टी भी ले लेती हूँ, दोनों ही 1 teaspoon ले लूँगी, और ये ज़रा सा हनी, ताकि सैंडलवुड की ड्राइनेस ये इवन आउट कर दे। अगर आप हनी नहीं ले रहे हो तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। मैंने एलोवेरा जेल नहीं लिया है, और ये तीनों प्रोडक्ट्स को मैंने अच्छे से मिक्स किया है, और अब मैं इसे अपने फेस पे बिल्कुल इवनली एक थिक लेयर अप्लाई कर लूँगी, और ये बहुत ही कूलिंग है, क्योंकि इसमें दही है, बहुत ही कूलिंग इसमें इफ़ेक्ट रहता है, मेरी फेस बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, और ये फेस पैक मुझे बहुत ही पसंद है। बिल्कुल इवनली मैं अपने पूरे फेस पे और नेक पे भी मैं इवनली अप्लाई कर लूँगी, और ये ज़रा सा रह गया है तो मैं इसे शावर लेने के वक्त अप्लाई कर लूँगी, और कम से कम 10 मिनट तक मैं इसे रखूँगी अपने फेस पे,
तो जब तक मेरे फेस मास्क सूख रहा है तब तक मैं घर के बाकी काम कुछ कर लेती हूँ, जैसे कि कुछ क्लीनिंग हुआ या कुछ भी जो भी रहता है। तब तक मैं अपने कपड़े भी डिसाइड कर लेती हूँ दैट मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। तो आज हमें मार्केट जाना है तो मैं कुछ कपड़े अपने डिसाइड कर रही हूँ, और ये है वो ईयरिंग जो मैं आज पहनूँगी। सो अब मेरी फेस मास्क अच्छे से ड्राई आउट हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हो, तो अब मैं जा रही हूँ डायरेक्ट शावर लेने। सो मिलती हूँ शावर लेने के बाद। तो मैं शावर लेकर आ चुकी हूँ और बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ अभी। सो फर्स्ट थिंग मैं लेती हूँ अपने फेस पे एक अच्छा सा फेस टोनर। ये लुइस का रोज़ टोनर है जो कि बहुत ही रिफ़्रेश कर देता है मुझे। बस 2 से 3 स्प्रे, और मैं इसे एब्जॉर्ब होने के लिए ज़रा सा फ़न आउट कर रही हूँ अपने फेस को। और जैसे ही ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, सेकेंड थिंग मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ ये मिनीसो का ग्रीन टी सीरम, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है। ये एक ड्रॉपर में आता है ऐसे, और ड्रॉपर की मदद से आप अपने फेस पे ऐसे लगा सकते हो। जस्ट 3 to 4 ड्रॉप्स एंड यू आर रेडी टू गो। इस तरीके से मैं इसे अच्छे से मसाज कर लेती हूँ अपने फेस पे, और बिल्कुल ये जब तक अब्सॉर्ब ना हो जाए आपके पूरे फेस पे, तब तक मैं इसे हल्के हाथों से मसाज कर लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है ये फेस लोशन की, जो कि स्किन क्राफ्ट की तरफ से है, और ये बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र है जो कि एक स्प्रे बॉटल में आती है। जस्ट 3 to 4 स्प्रेज एंड आपका फेस बिल्कुल मॉइस्चराइज हो जाता है। हालांकि ये बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र है, ज़्यादा ऑयली नहीं करता आपके फेस को। ये मुझे बहुत ही पसंद है। मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया है, और अब बारी आती है सनस्क्रीन की। मॉइस्चराइज़र अच्छे से फेस पे अब्जॉर्ब हो जाए, फिर ये ममा अर्थ का सनस्क्रीन, जो कि इंडियन सनस्क्रीन है, मुझे बहुत ही पसंद है, और मैं इसे लगाना कभी भी नहीं भूलती हूँ। और सनस्क्रीन को आपको ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हल्के से अपने फेस पे डैप कर लीजिए। जस्ट एक लेयर हमें रखना है अपने फेस पे एक सनस्क्रीन का। जस्ट इस तरीके से मैंने हल्के से जस्ट अपने फेस पे एक लेयर बना लिया है सनस्क्रीन का। एंड दिस इज़ ओरी फ्लेम टेंडर केयर लिप बाम, जो कि आप अपने अंडर आइज़ पे भी लगा सकते हो, अपने कोई मार्क पे भी लगा सकते हो। तो ये लिप बाम मेरा फेवरेट है। अब मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ। अब लास्ट है ये बॉडी बटर, मामा अर्थ का कोको बॉडी बटर, विच स्मेल्स अमेजिंग। मैंने अपने बॉडी पे ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है शावर लेने के बाद, अपने हैंड्स पे मैं बस अप्लाई कर लूँगी। ये मैं लास्ट ऑप्शन रखती हूँ अपने पूरे स्किन केयर, अपने फेस के केयर के बाद। अपने हैंड्स पे मैं इसे आखिरी में इस्तेमाल करती हूँ। सो यस, आई एम डन नाउ, और अपने हेयर्स को मैंने अच्छे से कॉम कर लिया है, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। सो आई एम हेयर विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी थिंग। ये था मेरा आज का वीडियो ऑल इन ऑल मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के ऊपर, जो कि मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है। ज़रूरी नहीं कि ये सारे प्रोसेस एक जैसे होते हैं हर रोज़। कभी कभी कुछ चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें इंक्लूडेड नहीं भी रहती है। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ, बट ऑल इन ऑल कुछ ऐसा ही रहता है मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। ज़रूरी नहीं कि आप भी वही प्रोडक्ट्स यूज़ करो जो मैंने यूज़ किया है। जैसी आपकी स्किन है, जो प्रोडक्ट्स आपको सूट कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे, ज़रा सा भी यूज़फुल लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और एक लाइक ज़रूर कर दे मेरे इस वीडियो को, और जिन्हें इसे ज़रूरत है उन्हें शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले, और उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरे वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाय।